आनंद करी, बड़ा भय करी, सौंदर्य रत्न करी, निर्धुता अखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष महेश्वरी आनंद करी, बड़ा भय करी, सौंदर्य रत्न करी, निर्धुता अखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष महेश्वरी प्राणे या चल वंश पावन करी, काशी पुराधीश्वरी भिक्षा ते ही कृपावलंबन करी, माता नमूनेश्वरी। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। अष्टम महाविद्या माता बगलामुखी। तंत्र में मुख्य रूप से बगलामुखी को वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि आदि जो षट कर्म है, इनकी देवी माना गया है। लेकिन और यही विद्याएं हैं मुख्य रूप से जो तंत्र में प्रयोग की जाती हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये विद्याएं मुख्य रूप से तंत्र में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन गलत चीज़ों के लिए। सीधी सी बात है, इन चीज़ों को इतना बुरा फ़ायदा उठाया गया है और इस तरीके से इन चीज़ों को पेश किया गया है कि सारा का सारा तंत्र मंत्र इसी वजह से बदनाम पड़ा है। हालांकि मारण आदि करने कर्म करने वाले और भी देवी देवता हैं, या यूँ कह लीजिए कि हर देवी देवता हर कर्म करने में सक्षम है, लेकिन उनमें भी मुख्य रूप से माता बगलामुखी जो है इन कर्मों की अधिष्ठात्री मानी गई हैं। इनके जन्म से संबंधित कई कथाएं हैं, जन्म क्या कह लीजिए, प्राकट्य से संबंधित इनकी कई कथाएं हैं, लेकिन जो चीज़ है, जो एक्चुअल जो चीज़ है, वो किसी को नहीं पता कि इनका प्राकट्य एक्चुअल में क्यों हुआ था और किस लिए हुआ था। इनके नाम को लेकर के भी कई कथाएं, आप मानेंगे नहीं, इनके नाम को लेकर के, इनका नाम बगलामुखी क्यों है, उनके नाम को लेकर के भी कई कथाएं हैं। बगलामुखी, ठीक है, बगलामुखी अर्थात कुछ लोग इन्हें बगुलामुखी कहते हैं, यानी बगुला, यानी कि जो बगुला होता है ना, बगुले के मुंह वाली, ठीक है। और तंत्र के अंदर मुख्य रूप से जो साधक आपको मिलेंगे वो बगलामुखी के ही मिलेंगे। बगलामुखी माने अपने आरंभ से ही, मतलब अपने प्राकट्य के साथ ही षटकर्मों को स्थापित कर दिया था। स्थापित अर्थात कि ये जो षटकर्म थे, एक असुर के विनाश के लिए इनका प्रयोग किया गया था, पहली बार इनका प्रयोग किया गया था। लेकिन बगलामुखी के कई रूप हैं। बगलामुखी के मुख्य रूप से जो है आठ रूपों की पूजा होती है, ठीक है, जिनमें से दो मैं पहले बता चुका हूँ। इनमें से एक रूप में माता जो है शत्रुओं की वाणी स्तंभित करती हैं, ठीक है, जिन्हें स्तंभन कर्णिका देवी कहा जाता है। एक रूप में ये सारे समस्त षटकर्मों को धारण करती है, जिन्हें भ्रामिका कहा जाता है, जो व्यक्ति की मुख्य रूप से बुद्धि को भ्रमित करने के लिए प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। मोहन और वशीकरण आदि विद्याओं को जो रूप नियंत्रित करता है वो मोहिनी का है, माता का मोहिनी स्वरूप। और उच्चाटन आदि जो कर्म है, इनके लिए माता का एक विभिन्न रूप जो है वो प्रयोग में लिया जाता है। तो षटकर्मों का मैंने आपको बताया, लेकिन और सबसे बड़ी समस्या लोगों के साथ में ये आती है कि उन्हें ये तो पता है कि षटकर्म को हो कैसे गए, लेकिन उन्हें इसके निदान का कोई उपाय मालूम नहीं होता, इससे बचे कैसे। व्यक्ति ये भूल जाता है कि जो देवी जन्म देने वाली है वही देवी मारने वाली भी है, वही देवी रक्षा करने वाली भी है। तो यदि बगलामुखी से समस्त षटकर्मों का जन्म बताया गया है, तो उन षटकर्मों से रक्षा का उपाय भी माता बगलामुखी ही है। क्योंकि जो इन्हें नियंत्रित करती हैं वहीं इन्हें समाप्त भी कर सकती हैं।
लेकिन इनका समाप्त होना संभव नहीं है क्योंकि सृष्टि कल्याण के लिए इन विद्याओं का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इनकी रोकथाम के लिए, इनके निवारण के लिए या फिर इनके गलत प्रयोगों को रोकने के लिए बगलामुखी का एक मंत्र मैंने बहुत पहले दिया था, करीब 2 साल पहले मैंने अपने यूट्यूब पे वो मंत्र दिया था, बगला सिद्ध विद्या च दुष्ट निग्रह कारिणी स्तंभिन्याकर्षणी चैव तथोच्चाटन कारिणी भैरवी भीम नयन महेश गृहिणी शुभ दशनामात्मकम स्त्रोत्रम पठेद्वत पठेद्यदि संभवेत मंत्र सिद्धश्च देवपुत्र वस्तुतः। ये मंत्र है, इस मंत्र का मैंने प्रयोग बताया था उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जो भी व्यक्ति जो इनमें से किसी भी कर्म से, मारण आदि कर्म से भी जो व्यक्ति पीड़ित है, वो इस मंत्र को 21 बार जाप करके, उसको पानी में फूंक करके, उसको अगर नित्य पिए तो उसको मारण आदि सारे कर्मों से जो है मुक्ति प्राप्त होती है। और ये प्रयोग जो है ये परीक्षित है, इसका परीक्षण किया जा चुका है पहले, बहुत बार किया जा चुका, आज नहीं अभी नहीं बहुत बार, ठीक है। एक साधिका थी मेरी दिल्ली में ही, उनके किसी जानने वाले ने उनको मारण कर्म किया था। वो मारण कर्म भी ऐसा था कि 3 दिन तक वो अपने बिस्तर से उठी नहीं थी, ठीक। तो जब उनको मैंने ये मंत्र करवाया तो इस मंत्र को करने के 3 घंटे के अंदर अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, उनके ऊपर कोई चीज़ किसी भी चीज़ का असर नहीं था। तो ये चीज़ें हैं, माता बगलामुखी के रूप में भगवान शिव का रूप जो उनके साथ में रहता है वो मृत्युंजय है, मृत्युंजय देवता, कुछ लोग इन्हें मृत्युंजय भैरव कहते हैं, कुछ लोग इन्हें मृत्युंजय कहते हैं। इसके साथ ही बगलामुखी में, माता बगलामुखी के साथ में मृत्युंजय देव के साथ में एक भैरव भी चलते हैं, वो भैरव का नाम मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसकी आज्ञा नहीं है मेरे को, जिसने मेरे को बताया था उसने मेरे को आज्ञा नहीं दी थी उसको बताने की, मैं बता नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। मुख्य रूप से जो इनका मूल बीज मंत्र माना जाता है वो हलीम है, कुछ लोग इसे हलीम कहते हैं, कुछ लोग इसे हलीम कहते हैं, लेकिन जो मूल रूप है वो हलीम है। और बगलामुखी की साधना 1425 चरणों में की जाती है, यानी कि 1425 किस्म के इनके मंत्र हैं, ठीक है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ आखिर में, क्योंकि देखिए बगलामुखी को ही ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र विद्या अर्थात जो ब्रह्मास्त्र है उस ब्रह्मास्त्र का प्रत्यक्षीकरण जो है माता बगलामुखी है। और माता की जो गायत्री मंत्र मुझे बोला जाता है वो भी इसी तरीके से, ओम लिम ब्रह्मास्त्राय विद्महे शत्रु निवारणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, ये माता का बगला गायत्री है जिसमें भी उनको ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया है। और शत्रुओं को स्तंभित करना, शत्रुओं की वाणी को कीलित करना, बुद्धि को स्तंभित करना, ये आदि जो कर्म है ये माता बगलामुखी से सिद्ध होते हैं। लेकिन उनकी कुछ प्रयोग विधियाँ हैं वो बहुत अलग हैं, उनको जानकार व्यक्ति जानता है। तो इनकी साधना से सबसे पहला जो नुकसान होता है आदमी को, वो नुकसान उसको ये होता है कि जो प्रयोग वो दूसरों पे करना चाहता है वो प्रयोग सबसे पहले उसके खुद के ऊपर होता है। यानी कि अगर मैं किसी के ऊपर मैं स्तंभन कर रहा हूँ बगलामुखी मंत्र का प्रयोग करके, तो सबसे पहले वही मंत्र मेरी बुद्धि को स्तंभित करेगा। और अगर मैं उस मंत्र के स्तंभन के प्रभाव से निकल के बाहर आ गया, या मेरी योग क्षमता उतनी है कि मैं उस मंत्र के स्तंभन से बाहर आ सकूँ अपने दम पे, तब जा करके ये मंत्र जो है सामने प्रयोग असर करेगा। क्योंकि बगलामुखी इकलौती ऐसी देवी हैं जो ये सुनिश्चित करती है सबसे पहले कि आप उनके मंत्र का भेदन करने में सक्षम हो, भेदन अर्थात कि आप यदि उस मंत्र का प्रयोग से किसी को हानि पहुंचा सकते हो तो उस हानि को आप रिकवर भी कर सकते हो, उस हानि का आप शोध उसको कर सकते हो, मतलब शुद्ध कर सकते हो, उस हानि से आप उस व्यक्ति को उभार सकते हो। यह सिद्ध होने के बाद ही बगलामुखी का मंत्र जो है प्रयोग में सिद्ध होता है, अन्यथा ये खुद साधक की बुद्धि को स्तंभित कर देगी, उच्चाटित कर देगी और कभी कभी जो है मारण भी कर देती है खुद ही। ये खुद व्यक्ति अपने मंत्र से स्वयं का ही मारण कर लेता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने, बहुत लोग देखे हैं ऐसे। तो बगलामुखी की उपासना के अंदर ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि यदि आप बगलामुखी की उपासना कर रहे हैं तो किसी भी दुष्ट मंशा के साथ ना करें, ठीक है, क्योंकि दुष्ट मंशा के साथ करने पर ये जो प्रयोग है बहुत जल्दी विपरीत होते हैं। क्योंकि बगलामुखी के साथ में जिन देवी का वास माना जाता है वो है प्रतंगिरा, और प्रतंगिरा मशहूर इसी चीज़ के लिए कि वो किए हुए प्रयोगों को लौटा देती है, विपरीत कर देती है, ठीक है। तो इन देवी का इनके साथ में वास माना गया है। तो यही कुछ बातें थी बगलामुखी माँ से जानने के बारे में जानने लायक। और अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा माता मातंगी के ऊपर बनाऊँगा, उस वीडियो का इंतज़ार करिए आप लोग। जय श्री महाकाल आप सभी को।